सबसे पहले रोटेशनल मोशन के अंदर जो स्टार्टिंग है वो टॉर्क से स्टार्ट है, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हैं। आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है आर क्रॉस एफ, और कुछ नहीं करना। टॉर्क निकालने का एक बड़ा अच्छा शॉर्टकट है कि जैसे अगर आपको मान लो टॉर्क निकालना है, या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी बोलते हैं इसे, और ये फोर्स लग रही है इस तरफ और आपको टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, तो आपने क्या करना है, फोर्स, ये फोर्स का एक्सिस है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एच, तो फोर्स इनटू एच इज द आंसर। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आर क्रॉस एफ करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये रिजल्ट लगाओ आंसर आएगा। जैसे सपोज ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को यहां से काट दिया और ये रॉड बंधी हुई है, यहां से हिंज है तो रॉड घूमेगी ऐसे, जैसे ही आपने काटा तो क्वेश्चन है ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है, तो कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है, एम जी, और एम जी का डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, एल बाई टू, तो टॉर्क क्या लगेगा, एम जी इंटू एल बाई टू, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एम जी इंटू एल बाई टू। क्लियर है यहां तक? तो ये टॉर्क की वैल्यू है। कपल का मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज जो टॉर्क लगाते हैं उसे कपल बोलते हैं, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें ये बताया हुआ है कि अगर मान लो एक एम वन एक एम टू है और ये अपने सेंट इसका सेंटर ऑफ मास है सच दैट ये डिस्टेंस डी वन डी टू है, तो एक रिजल्ट तो आपको पता ही है कि एम वन इंटू डी वन इज इक्वल टू एम टू इंटू डी टू, ये तो हमने यूज़ किया ही हुआ है। तो इसके अंदर जैसे सपोज क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है कि जिसमें एक रॉड है, एक रॉड दो नाइफ के ऊपर टिका के रखी हुई है, ये नाइफ है उसके चाकू हैं ये दो, और इसका अपना वेट कितना है 4g इसके सेंटर ऑफ मास पे, और एक एक्स्ट्रा वेट भी टांग रखा है कितना 6g, और तुम्हें डिस्टेंसेस गिवन है 5 सेंटीमीटर, इस नॉर्मल रिएक्शन का 25 है और यहाँ से 35 है। आपको बताना है कि जो नाइफ ने नॉर्मल रिएक्शन लगाया एन वन एन टू इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको ऐसे करना है, ये एक पॉइंट है जिसके अबाउट रोटेशन ली जा सकती है, और क्योंकि ये एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें नेट टॉर्क सिस्टम पे क्या होता है, जीरो, और सिंपल इक्विलिब्रियम क्या होता है जिसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो इसमें सिंपल इक्विलिब्रियम भी है, नॉर्मल इक्विलिब्रियम भी है जिसमें नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि ना तो ये रॉड ऊपर जा रही है नीचे जा रही है और ये घूम भी नहीं रही है, तो आपने दोनों इक्विलिब्रियम बनाने हैं। तो मान लो इन नाइफ ने एन वन एन टू इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो एक फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, एन वन प्लस एन टू ऊपर की फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे की फोर्सेस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ऊपर और नीचे की फोर्सेस बराबर, क्लियर है यहां तक? तो पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसमें ये एन वन है, एन वन फोर्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 25, तो टॉर्क क्या लगेगा, एन वन इंटू 25। दूसरा टॉर्क 6g कितना लगाएगा, 6g इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5। 4g टॉर्क लगाएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट ऐड कर रहा है, इसका डिस्टेंस 0 है, और एन टू कितना लगाएगा, एन टू इंटू कितना 35। ये टॉर्क की वैल्यूज हैं। अब देखना यह है कि कौन क्लॉकवाइज कौन एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा। सोचो कि अगर मैं एन वन पे टॉर्क लगवा रहा हूं, अगर मैं एन वन के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो ये पूरी रॉड कैसे घूमने की कोशिश कर रही है, क्लॉकवाइज। एन टू पे लगा रहा हूं तो कैसे घूमने की कोशिश कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। 6g फोर्स लगा रहा हूं तो कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज, और 4g तो टॉर्क जनरेट ही नहीं कर रहा। तो तुमने क्लॉकवाइज वाले टॉर्क इकट्ठे कर लेने हैं और एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क अलग इकट्ठे कर लेने हैं। 6g सॉरी कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और एन वन कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज, एन टू कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आपने इक्वेट कर लेना है। एक और इक्वेशन आ जाएगी एन वन एन टू में, तो पहली इक्वेशन जो है वो तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम की है जिसको ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और दूसरी रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, या फिर एन वन एन टू की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चन में से सबसे फेमस क्वेश्चन लैडर प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं कंपटीशन में जिसमें एक लैडर ले ली, ये लैडर है और ये टिकी हुई है एक दीवार के साथ, तो इसमें इसका वेट जो है वो डब्ल्यू है, दीवार से नॉर्मल रिएक्शन एन वन है,
यहाँ से फ्लोर से नॉर्मल रिएक्शन एन टू है, आपको एन वन एन टू निकालना है, और यहाँ फ्रिक्शन भी है क्योंकि फ्रिक्शन मेरा लैडर टिक नहीं सकती, दीवार में फ्रिक्शन नहीं है, फ्लोर में है, और डिस्टेंसेज आपको वन और ये सब कुछ गिवन है, राइट। तो इसके अंदर ये लैडर बिल्कुल रेस्ट पे है, तो ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स, लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। तो बोलो N2 किसके इक्वल है, ऊपर की फोर्स क्या है N2 और नीचे की फोर्स क्या है W, तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी N2 इज इक्वल टू W, राइट की फोर्स क्या है F और लेफ्ट की फोर्स क्या है N1, तो N1 इज इक्वल टू F, सेकंड इक्वेशन है। अब नेक्स्ट है इसमें टॉर्क की इक्वेशन, टॉर्क की इक्वेशन बनाने का एक ही स्टाइल है, तुम लैडर में से एक लाइन खींच लो इमेजिनरी, एक लाइन ऐसे ले जाओ मन में, तो इस लैडर के इस तरफ जो फोर्सेज हैं और इस लैडर के जो इस तरफ फोर्सेज हैं वो दोनों टॉर्क लगाएंगे, दोनों टॉर्क को इक्वेट कर देना, तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं कि क्लॉकवाइज कौन है, एंटी क्लॉकवाइज कौन है, ये शॉर्टकट कभी फेल नहीं होता। एक लाइन खींच लो और एक एक्सिस मान लो, कोई भी एक्सिस मान लो, लैडर का कोई भी कोना एक एक्सिस मान लो, या तो वी मान लो या ए मान लो, चलो ए मान लेते हैं, ए पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालते हैं। देखो ए पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन कोई टॉर्क लगा नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों एक्सिस के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इस लैडर के इस तरफ कौन सी फोर्स बच गई, एन वन, तो एन वन कितना टॉर्क लगाएगा, फोर्स एक्स एक्सिस में है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पर मिलेगा, वाई एक्सिस में, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लैडर के ऊपर की साइड बस यही फोर्स है, लैडर के नीचे साइड कौन सी फोर्स है, डब्ल्यू, तो मान लो डिस्टेंस हाफ है तो डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, इक्वेट कर लेना, फिर न्यूमेरिकल जो पेपर में आएगा उसको सॉल्व कर लेना। मैं कहने का मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अपने मन से बनाई हुई चीज़ है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि इन सभी क्वेश्चन से आपका कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिलेगा आपको। इम्पॉर्टेंट बस एक है कि आप ये देख पाते हो कि नहीं देख पाते, जैसे ये वाला केस है कि लैडर वाली सेम केस है, जैसे क्वेश्चन छोड़ो बस ये बताओ कि ये समझ में आ रहा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में इस तरफ क्या है एन वन है और इस तरफ की फोर्सेज में कौन है डब्ल्यू और टी है, तो ये जो टॉर्क जनरेट करेगा वो इन दोनों टॉर्क के इक्वल होगा। जैसे ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है तो डब्ल्यू इंटू इस तरफ डब्ल्यू इंटू दिस डिस्टेंस और टी इंटू दिस डिस्टेंस, ये टॉर्क आ गया, और इसका टॉर्क है एन वन इंटू दिस डिस्टेंस, मतलब अगर फोर्स वाई एक्सिस में है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कहां पर मिलेगा, एक्स में मिलेगा। तो इन्हें इक्वेट करके जो निकालना है लैडर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो हम आगे नहीं चलते, आप इस क्वेश्चन को जरा देखें।